हम आ गए फिरदौस, तुम्हारे ये हुस्न हमें तुम्हारे करीब खींच लाया। पापी औलाद, अपनी स्वर्गवासी माँ की साड़ी का अपमान करते हुए तुझे शर्म नहीं आती? ये सब दखियन उसी ख्याल हैं, इन्हें छोड़ दीजिए वरना पछताएंगे। चुप कर, मत सुना मुझे अपनी बकवास। धन्य ये वही चंडाल है जो पिछले 20 वर्षों से न मुझे जीने दे रहा है और न ही मरने दे रहा। बाप को चंडाल कहता है, जीने आता कि तेरी खाल खींच लूं। ए धन्यो मुझे बचा ले, मुझे अपनी आंचल में जगह दे धन्यो, वरना ये हैवान मुझे खा जाएगा। क्यों बाप, कैसी रही एक्टिंग? अब वो दिन दूर नहीं जब श्रीदेवी जी, रेखा जी और माधुरी जी मेरे साथ काम करने के लिए पागल उठे। कितने शर्म की बात है, ये माधुरी जी तो तुझे याद है लेकिन अपनी माता माधुरी जी को तू भूल गया, जिसके लिए मैं आज एक नई कंपनी खोलने वाला हूँ, माधुरी और उसके नालायक संस। देख, अगर तेरे पास वक्त है और अपनी माँ के लिए जरा सी भी श्रद्धा है तो तेरा ये बाप नीचे नाश्ते के टेबल पर तेरा इंतजार कर रहा है। आ जा, तेरे बाप तेरा आभारी होगा। आ जा रे माधुरी। Hi Dad, I am mad जो तुम जैसे नमूनों को पैदा किया। Come on Dad। अरे Dad के बच्चे, क्या मैं तुमसे सीधे मुंह दो बातें कर सकता हूँ? Yes Dad, बोलिए। क्या करता राजी? क्या करते हो? राजीव, मैंने तुम लोगों की माँ के नाम से एक नई फैक्ट्री खोली है। All the best Dad, all the best। अरे वो फैक्ट्री तुम लोगों के नाम है और मैं चाहता हूँ कि तुम लोग उसके उद्घाटन पर आओ। Come on Dad, ये फैक्ट्री के चक्कर आप ही संभालिए। But still, if you want me, मेरे लिए एक्सरसाइज का कमरा रखवा दीजिएगा फैक्ट्री में। साहबजादे, मैं फैक्ट्री खोलने जा रहा हूँ, कोई अखाड़ा नहीं। अखाड़ा नहीं डैड, जिम कहिए। तू सीधी तरह तैयार होकर नीचे आता है नहीं? डैड, मेरे एक्सरसाइज का टाइम है। आवाज की दुनिया के दोस्तों, आज आप लोगों के सामने अपने आप को यानी कि उभरते हुए गायक ऋषि कुमार को पेश कर रहा हूं। हाँ तो हजरत, गजल शुरू करने से पहले आदाब, आइए। हाँ तो हजरत, तबले पर आज मेरा साथ दे रहे हैं कैलाश खां साहब। कैलाश खां, आदाब। दोस्तों, गजल शुरू करने से पहले एक किस्सा याद आ गया मुझे। अरे किस्से से पहले अपने बाप की फरियाद सुन ले, ए गायक गवैया। बिल्कुल सुनूंगा बाबूजी, और है ही कौन आपकी नैया का खिवैया। अरे वाह, क्या काफिया मिलाया है। आदाब, आदाब। हाँ तो दोस्तों, आपकी खिदमत में पेश है। मुझे आई न जग से ला। तुम्हें आएगी? मैं इतना जोर से नाची आज। एक नई फैक्ट्री खोली है घुंगरू टूट गए माधुरी और उसके संस के। घुंगरू टूट गए, मुझे उसके उद्घाटन पे आना है। के घुंगरू टूट गए, तैयार होकर नीचे आ जा बेटे। मोहे आई, अरे मैं मर गया, मैं कहां फंस गया। इतना अरे बेटे, जोर से नाची आज। अरे घुंगरू ही तोड़ता रहेगा ये तो जिंदगी। तो तीनों नहीं आए। बजरंगी जी मालिक, कितने बच्चे हैं तेरे? मालिक हमारी तो शादी नहीं हुई अभी तक। सुखी हो तुम जी? खाते खाते भूख तो नहीं मर जाती ना? पापा, आप बिना नाश्ते किए जा रहे हैं? खाइए ना, मैं आपका साथ दूंगा। बड़ा होकर भी मेरा साथ देगा ना बेटा? दूंगा पापा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। बंगला अच्छा है, होने को भी छाना है, छान लई छान। तू करी करी क्या करिए? किचन देख जाकर। किचन कुटे है माजी? अरे घर है तो किचन तो होगा ही ना, ढूंढ। हाँ हाँ, माली कौन दे रहा है आवाज? ओ माली, ये आके पार पार कर क्या देख रहा है?
खबरदार, जो मुझे पूछे बगैर कुछ किया तो मेरे बगीचे में। आपका बगीचा? आप है कौन? इस बंगले की नई लैंड लेडी और आज तक तुम्हारी मालकिन। मालिक मालिक नहीं, तुम तो मोपेड हो। अरे अब तो छोड़ो मेरा हाथ। कौन माजी? ये लोग चोर लोग हैं। ये मोटा किचन में घुस के चाय बनाता था और ये झींगा आमलेट खाता था। देखिए आप लोगों को जरूर कोई मालिक मालिक इस आफत से मुझे छुड़ाइए। मालिक ये मालिक तुम लोगों का मालिक है? बाप कौन है ये लोग? पता नहीं बेटा मुझे बस। ये आधे नंगे लोग हम गए। ये है कौन? पता नहीं बेटा मुझे तो। कैलाशनाथ ये सब क्या हंगामा है? ये और जबरदस्ती मेरे घर में घुस रही है। अरे जरीना देखा, ये मेरे घर आ गई। देख जरीना ये घर है ना, ये मैंने आज खरीदा है और यहाँ पर ये मालिक का बच्चा अपने पूरे खाता लेकर जमा के बैठा हुआ है। अरे जरीना इसे समझाओ कि ये बंगला हमारा है। पुलिस को बुलाइए। कानून को बीच में मत लाओ। तुझे गलत फहमी हुई वो तो होती रहती है। ये बंगला कैलाश नाथ जी का ही है। पता नहीं क्या समझता है ये मालिक बुड्ढा, मेरा तो दिल करता है ये झूठे कौशल्या। चल चल दिया। तू बता जरीना, इंसान की क्या गलती नहीं हो सकती? अगर गलती से हम इसके बंगले में चले गए तो कौन सा पार टूट पड़े हमारी बुद्धे के सर पर? बंगला खाली क्या इसका ही हो सकता है? दुनिया में और किसी के पास बंगला नहीं है? हो सकता है। मेरा क्या बंगला नहीं हो सकता? हाँ है, ये है तुम्हारा बंगला। हम लोग अपने अपने कमरे देख लेते हैं। कितनी प्यारी है तुम्हारी बेटियाँ। अच्छा तू दो तीन दिन आके रह ले, फिर पता चलेगा भयंकर है हमारी बेटियां। वाओ वो अंदर क्या माँ खुद ही चलकर देख लो। बुड्ढी इन लोगों को तुम जानती हो? आंटी आपने हमें पहचाना नहीं? नहीं, हमारी माँ कुंती आपकी बचपन की सहेली थी। याद है आंटी, मक्खनपुर का वो मकान? कुंती हाँ आप याद आया। तुम चारों कुंती पुत्र हो? तीन पुत्र एक पुत्री। मॉम लगता है ये लोग सीधा तिरुपति से आ रहे हैं। तिरुपति तो हम हर महीने जाते हैं। पाल देने? नहीं नहीं बाल मांगने। बचपन से हमारा यही हाल है। कहां कहां जाकर मन्नतें नहीं मांगी, मगर आज तक इस सरजमीन पर एक भी बाल नहीं होगा। बंजर जमीन पर बिना हल चलाए खेती नहीं होगी। कमल, किसी की कमी का मजाक उड़ाना अच्छा नहीं होता। आज पहली बार किसी ने हमारी भावनाओं को समझा है। आंटी You are great. हम आपका पूरा ख्याल रखेंगे। आप जो भी कहेंगी हम वही करेंगे। तो पहले हमारा बाहर से सामान अंदर लेके आओ।